वेलकम, स्वागत है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और एक मुझे सबसे सुबह सुबह, आज बड़ी सुबह का मुहूर्त है, एक बड़ी अच्छी बात आई, उसके बाद मैं ये वीडियो की शुरुआत करता हूँ। वीडियो बात क्या है कि मेरी दो दादी माँ थी, तो दादी माँ कहा करती हैं, निर्बल के बलराम, मतलब कि अगर कोई निर्बल मनुष्य है, अगर उसके अंदर विश्वास है तो राम ही उसके बल हैं। मतलब कि अगर कुछ गड़बड़ होता है उसके साथ, कुछ ये हो जाता है, वो पढ़ लिख नहीं पाता है, या उसकी जॉब नहीं लगती, या उसे अच्छी बीवी नहीं मिलती, या उसकी शादी नहीं होती, तो मतलब कि राम में जो भरोसा जो होता है, तो वो ही सारी चीज़ों को पार लगाता है। और ये सत्य वचन है, चाहे भले ही राम हो चाहे ना हो, लेकिन उसके अंदर ये विश्वास है कि अगर कुछ गड़बड़ होगा तो राम जी आएंगे, सहायता करेंगे। और फिर ऐसा विश्वास रखते रखते वो चीज़ों को पार कर जाता है और सक्सेस करता है। तो चलो, निर्बल के बल राम, और आप भी बड़े विश्वास के साथ अपनी तैयारी कीजिए एग्जाम की, और ज़रूर सफलता पाएंगे। इसी के साथ हम भी शुरुआत करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं भारत सरकार, शॉर्ट में कहें तो मोदी सरकार, तो मोदी सरकार के जो है ना, रेलवे जो मिनिस्ट्री है, उसमें वैकेंसी आ रखी, वेस्टर्न रेलवे की बात करेंगे। और ये वैकेंसी अप्रेंटिसशिप की है, मैं पहले ही बता दूँ, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, करीब करीब 3,500 पद हैं इसमें, 3,500 ज़्यादा हो गए, 35,000 हो गए, तो 3,500 पद हैं, ठीक है, 3500, ठीक है, तो 35,500 जो है ना इसमें पद हैं, 3500। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे ईच एंड एवरीथिंग। तो देखो, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrc.wr.com डालेंगे, आप चले जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, और यहीं जाके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर पाएंगे। फॉर्म कैसे भरना है? ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन का चक्कर नहीं, कोई डाक स्पीड पोस्ट नहीं है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। मोटी मोटी बातें हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, फॉर्म शुरू कब से होंगे? 10 तारीख से शुरू हो चुके हैं, 10 दिसंबर से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, ख़त्म कब हैं? 9 जनवरी को, ध्यान रखिएगा, अंतिम डेट का इंतज़ार मत करिएगा, क्योंकि सरकारी वेबसाइट से कभी भी क्रैक, कभी भी क्रैश, कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर आपका फॉर्म भी रह सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो मैंने ऊपर वेबसाइट बताई थी, www.rrc.wr.com डालेंगे, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, वहां जाकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा आगे चलेंगे हम, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है। देखो, जब आप ये कर रहे हैं कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद आप कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, जब ट्रेनिंग इन रेलवे स्टेशन, जब आप रेलवे डिपार्टमेंट में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी की, ठीक है, आप मान लीजिए अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या जो है ना 20% वैकेंसी ऑन द क्वालिफाइंग द रिक्वेस्ट नॉर्म नोटिफाई बाई RRC, जो 20% वैकेंसी इसके बाद जो आने वाली हैं, उसमें आप लोगों का रिजर्वेशन होता है, उसके बाद जो भर्ती निकलती है उसमें आप लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है। इसलिए अगर आप अप्रेंटिसशिप करने की सोच रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंट, जरूर कर लो, क्योंकि फ्यूचर में आपकी, अगर मान लीजिए वैकेंसी 10,000 से कम कभी नहीं आती, 10,000 वैकेंसी आई, ठीक है, अब इसका 20% निकालो, 20/100 करोगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, मतलब कि 1,000 वैकेंसी ITI जो अप्रेंटिसशिप कर रखें उन बच्चों की भरी जाएगी। ध्यान रखिएगा, जब कभी ITI मांगती है गवर्नमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, तो वो अप्रेंटिसशिप वालों को प्रेफरेंस देती, आप सिर्फ ITI लेके कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, तो आप अप्रेंटिसशिप जरूर कर लीजिए, इसलिए कीजिए जो कि मैंने रीजन बताया। आगे चलते हैं, अब जब आगे चलेंगे तो मैंने आपको वैकेंसी बता दी थी, वही 3,500 वैकेंसी ज़्यादा ही है बसरते, ठीक है, तो ये वैकेंसी बात हो गई। अब जो अप्रेंटिसशिप होगी, वो जो भारत सरकार का एक्ट है 1961, ये बखान करता है कि अप्रेंटिसशिप कैसे की जाए, कौन कराएगा, क्या क्या कंडीशंस हैं, तो उसके अनुसार आपकी अप्रेंटिसशिप चलेगी। आपकी उम्र होनी चाहिए 15 साल से लगा के 24 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए, और एज काउंट करी जाएगी 9 जनवरी 2019 से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्र कितनी होगी बच्चों? 15 से 24 साल। अब देखो, रिजर्वेशन की जो कैटेगरी है, जिसे SC/ST है, 5 साल की छूट है उनके लिए, उन्हें 5 साल मिलेंगे, और 3 साल जो है ना OBC वालों को मिलेंगे, फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों को 10 साल मिलेंगे, एक्स सर्विस मैन है तो उसे 10 साल के आसपास छूट मिलेगी उम्र में, ठीक है। और आगे देखेंगे, अब देखो जो एज है, डेट ऑफ बर्थ अगर आप चेक करना चाहते, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख लीजिए, आपकी उम्र होनी चाहिए किसके इसके बीच में, अगर आप जनरल हैं तो 10/1/1995 से
2004 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ, इन दोनों डेटों के बीच में पढ़ना चाहिए। ऐसे ही एससी के लिए, सेम एसटी के लिए, ओबीसी के लिए अंतर, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, सबके लिए ये दे रखी है। हम आगे बढ़ेंगे, आप वीडियो को पॉज करके अपनी उम्र दोनों सीमाओं के बीच में देख लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बच्चों क्या होनी चाहिए, आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होनी चाहिए और कक्षा 10 या 12 आपके पास पास होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कक्षा 10 या कक्षा 12, ठीक है। मैट्रिकुलेट या 10+2 और जो है ना आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 10th में, या 10+2 जो भी आप लगा रहे हो तो उसमें मिनिमम 50% मार्क्स, मतलब 50% मार्क हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, मिनिमम मांग लिए गए। और आईटीआई में कोई परसेंटेज नहीं मांगा गया इसमें, ठीक है। अब देख लो टेक्निकल क्वालिफिकेशन आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब देखो फिटर ट्रेड के लिए अगर आपको करना है तो आपके पास फिटर में होना चाहिए, वेल्डर के लिए करना है तो वेल्डर में होना चाहिए, टर्नर तो ये सेम ही रहता है, इसमें कोई ज़्यादा हौच पौच की बात नहीं है। अब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। अगर एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा होल्डर्स और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और नॉट एलिजिबल, अगर आप ग्रेजुएट हैं या डिग्री इंजीनियरिंग कर रखा है, बीटेक कर रखा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है तो आप ये फॉर्म ना भरें, ये आपके लिए फॉर्म नहीं है, ठीक है। अब देखो किसमें क्या क्या वैकेंसी है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में क्या वैकेंसी है, फिटर के लिए 153 वैकेंसी, वेल्डर के लिए 3, टर्नर के लिए 1, कारपेंटर के लिए 23, सबके सामने अपनी अपनी वैकेंसी लिखी है आप यहाँ वीडियो के लिए। इलेक्ट डिपार्टमेंट में फिटर के लिए 15, वेल्डर के लिए इतनी। अब ये बच्चों बहुत वैकेंसी, अगर मैं बताऊँगा 3553 टोटल वैकेंसी है बीआरसी डिवीज़न के लिए, अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग पदों पर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो हर में इतनी सारी वैकेंसी, मैं हर एक को नहीं हाईलाइट कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो हर में बहुत ज़्यादा बन जाएगा। वैकेंसी कोई कमी नहीं, 3500 वैकेंसी, देखो कैसे वैकेंसी एकदम भर भर के वैकेंसी हैं जिसे कहते हैं। कारपेंटर के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 30, पेंटर के लिए 30, पाइप फिटर के लिए इतनी, पाइप फिटर वही फिटर, प्लम्बर ट्रेड वाले, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इतनी इतनी, बहुत वैकेंसी हैं, वैकेंसी की कोई नहीं है कमी, ठीक है। बस आप जो है ना अगर अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक हैं तो आप देखिए अप्रेंटिसशिप अच्छे से कर सकते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको थोड़ी डिटेल्स जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो मैं बताना चाहूँगा आपको इसके नीचे के बाद, आपकी जो डिटेल्स वो शुरू हो जाएंगी। अब देखते हैं आपकी फीस 100 रुपये लगने वाली है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड वुमेन से कोई फीस नहीं ली जाएगी, जनरल और ओबीसी वालों से, वो भी बॉयज से 100 रुपये लिए जाएंगे, बाकी लोगों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म इस वेबसाइट भरे जाएंगे, अपना पैसा इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह से कटा पाएंगे, ठीक है, वो आपको सुविधाएं दी गई हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं हम, मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या रहेगा। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट आपके क्या होंगे कि आईटीआई प्लस जो आपकी 10th या 12th का रखा है, दोनों के मार्क्स जोड़ के एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, अगर आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आप जो है ना इसके लिए मतलब आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई, देखिए इन्होंने हाईलाइट कर रखा, हम भी हाईलाइट कर देते हैं, देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा, ध्यान रखिएगा कोई रिटन टेस्ट और कोई वाइवा नहीं है, डायरेक्ट आपका कराया जाएगा जो मेरिट लिस्ट बनेगी कक्षा 10 या 12 के, और जो आपके आईटीआई परसेंटेज हैं उसी के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब देखो डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगी, ध्यान रखिए 15 जनवरी 2019 को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपके होंगे वो आपके होंगे 21 जनवरी 2019 से शुरू हो जाएंगे, आपके जो डेट दी जाए उस डेट में उस समय पर वहाँ जो जगह दी गई वहाँ उपस्थित हो जाइएगा, वहीं पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएंगे। आपकी ट्रेनिंग कब से शुरू हो जाएगी, 1/4/2019, 4 का मतलब होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो 1 अप्रैल मतलब कि जिस दिन नहीं मनाते हैं फूल दिवस, शायद इसी दिन मनाते हैं, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, तो 1 अप्रैल जो है ना तब से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, आपकी 1 साल की टोटल ट्रेनिंग रहेगी, ठीक है,
आपको स्टिपेंड मिलेगी हर महीने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वेबसाइट मैंने बताई दी, और इस तरह मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। अब इसमें कोई चीज़ नहीं बची, तो मोस्टली चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर किया गया, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।